अमृतपाल सिंह और राशिद इंजीनियर, लोकसभा चुनावों के दो ऐसे किरदार जिनके जीत ने पूरे देश को चौंका दिया। दोनों ने जेल में रहकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और विरोधियों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। सबसे पहले समझिए अमृतपाल सिंह की पूरी कहानी। इन्हें पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुना गया है। असम की डिब्रूगढ़ जेल में रहते हुए अमृतपाल सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने चुनाव में जबरदस्त माहौल तैयार किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमृतपाल सिंह ने कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। ये तो रही अमृतपाल के राजनीतिक सफर की कहानी, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि आखिर अमृतपाल और विवादों का क्या नाता है। दरअसल अमृतपाल सिंह खालिस्तान का समर्थक है। ये वारिस पंजाब दे जैसे संगठन का प्रमुख है। ये खालिस्तान की मांग उठाने वाले जरनैल सिंह भिंडरावाले को अपना आदर्श मानता है। यही वजह है कि पंजाब में अमृतपाल को उसके समर्थक भिंडरावाले 2.0 की उपाधि देते हैं। अमृतपाल सिंह 23 फरवरी 2023 को उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उसने अजनाला पुलिस स्टेशन से अपने समर्थकों को छुड़ाने के लिए हजारों लोगों के साथ हमला बोल दिया था। इस हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इन्हीं वजहों से अमृतपाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में सजा काट रहा है, लेकिन निर्दलीय चुनाव जीतकर अमृतपाल के हौसले पहले से ज्यादा बुलंद है और शपथ ग्रहण के लिए भी उसे 4 दिन की पैरोल मिली। ठीक ऐसी ही तस्वीर बारामूला के निर्दलीय सांसद राशिद इंजीनियर को लेकर भी है। राशिद इंजीनियर ने बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला जैसे कद्दावर नेता को हराया है। ये चुनाव राशिद इंजीनियर ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीता था। लेकिन अमृतपाल सिंह की ही तरह है, राशिद इंजीनियर का आपराधिक रिकॉर्ड चौंकाने वाला है। राशिद इंजीनियर पर टेरर फंडिंग का आरोप है। वो UAPA के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। जेल से रहकर ही राशिद इंजीनियर ने चुनाव लड़ा है, लेकिन विडंबना देखिए, अमृतपाल सिंह की ही तरह राशिद इंजीनियर भी लोकसभा तक पहुंच गए हैं।